हाय फ्रेंड्स, स्वागत है सुमन किचन में आपका। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो खीर। तो चलिए बताती हूँ कैसे बनाएंगे इसे और क्या क्या चाहिए हमें बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, गैस ऑन करके सबसे पहले मैं एक पतीली रख दूँगी और उसमें मैं डालूँगी 1 लीटर दूध और दूध को बॉयल करूँगी मैं। तो आप देख सकते हैं कोई सा भी दूध आप ले सकते हैं डेयरी से या घर पे जो आता है वही। तो आप देख सकते हैं हमने इसे गर्म करने के लिए रख दिया है और हमारा दूध गर्म हो रहा है। तब तक मैं एक कढ़ाई रख दी हूँ गर्म होने के लिए और इसमें मैं 1 चम्मच घी डाल रही हूँ और घी को गर्म करूँगी मैं। तो फ्रेंड्स, घी गर्म हो गया है तो इसमें 1 कटोरी हमने लिया है सेवैयाँ और इसे मैं इस तरीके से भूनूंगी घी में। और लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें भूनना है, ज़्यादा तेज़ पे नहीं करना है, नहीं तो जल जाएगा सेवैयाँ। तो आप देख सकते हैं मैं इसे लाइट ब्राउन होने तक भूनूंगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 3 मिनट हमने भून लिया है और एक इसका कलर कितना बढ़िया हो चुका है। तो ये ब्राउन हमने भून लिया है, अब इसे हम निकाल के ठंडा करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब इसे गैस को मैंने ऑफ़ कर दिया है और इसी कढ़ाई में मैंने थोड़े से मखाने में भून रही हूँ और इसे भी लाइट ब्राउन होने तक थोड़ा सा भून लूँगी, 1 से 1.5 मिनट। तो फ्रेंड्स, इधर हमारा दूध बॉयल हो चुका है तो इसमें हम सेवैयाँ डाल देंगे और इसे पकाएंगे। और इसे भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें पकाना है, ज़्यादा लो फ्लेम पे नहीं और ज़्यादा हाई पे भी नहीं। और इसमें सेवी मिलाने के बाद हम मखाने भी ऐड कर देंगे और इस दोनों को, सेवियाँ और मखाने को, हम चला चला के पकाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये पक चुका है और बहुत अच्छा ये हो चुका है, गल चुका है, मैंने चेक कर लिया है। तो अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी चीनी और चीनी मैं 1/2 कटोरी डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना मीठा पसंद है आपको। और इसमें मैं डाल दूंगी इलायची पाउडर और इसे भी हम मिक्स कर देंगे। और फ्रेंड्स, आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ, गार्निशिंग में डालूँगी मैं। तो फ्रेंड्स, ये हो चुका है, अब गैस को हम ऑफ करके और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ठंडा हो चुका है बिल्कुल। तो अब इसमें हमने जो आम का पेस्ट बना के तैयार करी हूँ मैं, उसे मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और आम को अच्छे से धो के हमने मिक्सी में इसके इस तरीके से पेस्ट तैयार कर लिया है, अब इसे मैं मिक्स कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये हमने आम का पल्प मिक्स कर दिया है और कितना अच्छा कलर आया है आप देख सकते हैं। तो चलिए इसे एक बाउल में सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इसे सर्व कर लिया है और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से मैं अब इसे गार्निश कर दूंगी। तो इस तरीके से आप अपने पसंद के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पर हमने ड्राई फ्रूट से करने के बाद थोड़ा सा आम के टुकड़े इस पर रख दूँगी बारीक कटे हुए, और उसके बाद से 2-4 खाने से मैं इस पर गार्निश कर दूंगी। तो ये रेडी है हमारा आम का खीर। थैंक यू।